मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो दिस वीडियो इज फॉर क्लास प्रेप एंड योर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर कर्सिव अल्फ़ाबेट। ओके, इन इस वीडियो में के बाद मैं आप इस वीडियो से आपका पूरा कर्सिव अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स से क्यू टू जेड वो भी हम आज की वीडियो से कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, आई होप आपने अपनी नोटबुक में अच्छे से वर्क किया होगा और आपको अच्छे से वर्क करना आ गया होगा कर्सिव राइटिंग में। ओके, तो स्टार्ट करें। क्यू, व्हाट इज दिस क्यू, हाउ टू मेक क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ स्लैंटिंग लाइन फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट लाइन। आप एक कर्सिव लाइन बनाएंगे, देन यू बनाते हैं ना आप बेटा, सेम वैसा यू बनाएंगे, बस उसकी टेल ले जाएंगे थोड़ी सी। यू एज अम्ब्रेला, देखो स्लेंटिंग लाइन ड्रॉ की आपने, फिर हमने यू बनाया, देन उसकी टेल को हल्का सा कर्व कर दिया, टेल निकाल लेंगे आप उसकी। यू एज अम्ब्रेला, सी स्लेंटिंग लाइन, देन यू एंड मेक अ स्मॉल टेल। यू एज अम्ब्रेला, डन। नाउ वी एज वैन, स्लेंटिंग लाइन बनाएंगे बेटा, देन वी फॉर वैन बनाते हैं ना आप, उसके बाद स्मॉल वी बना के आप निकालते थे ना कर्सिव स्मॉल लेटर में, सेम वैसा पैटर्न देना है आपको। देखो हल्का सा करके वी एज वैन लाइक दिस, वी एज वैन, क्लियर। ये तो बहुत इजी है, स्लेंटिंग लाइन बना के वी बनाना है और उसके बाद उसको कर्व करना है। डब्ल्यू एस वॉच, स्लेंटिंग लाइन अगेन सेम थर्ड लाइन से बनाएंगे, डब्ल्यू फोर वॉच बनाते हैं उसके वैसे सेम बनाएंगे, उसके बाद हल्का सा कर्व करेंगे जैसे स्मॉल लेटर्स में करते हैं हम, स्मॉल लेटर्स में करते हैं ना आप इस तरीके से कर्व। डब्ल्यू एस वॉच, ओके डब्ल्यू एस वॉच। ओके बेटा, देखो ये सारे सिमिलर्स ही हैं क्योंकि सब में स्लेंटिंग लाइन ड्रॉ होगी, वो भी थर्ड टू फर्स्ट लाइन। अब एक्स, स्मॉल एक्स बनाते हैं ना आप, सेम ऐसा ही होता है, बस इसको हम थ्री लाइन्स में बनाते हैं बेटा। कर्सिव स्मॉल कर्सिव में आप जैसा एक्स फोर एक्स रे बनाते हैं ना, सेम ही है, बस वो टू लाइन्स में बनता है और ये थ्री लाइन में बनेगा। एक्स एज एक्स रे, एक्स एज एक्स रे, क्लियर बेटा। ओके वाई, नेक्स्ट वाई, वाई कैसे बनाएंगे, हमने यहाँ से टेल दिया और जैसे स्मॉल लेटर में वाई बनाते हैं ना आप, वैसा ही है, बस इसका जो ऊपर से डीप देना है आपको वो थ्री लाइन में देना है। स्मॉल लेटर्स में आप कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना स्मॉल में, देखो बस सेम ही है, बस आपको इसको ऊपर तक लेके जाना है। पहले टेल स्लेंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर थर्ड लाइन से बना के इस तरीके से वाई एस, सॉरी। ओके बेटा लाइक दिस, आपको इसकी टेल को ऊपर तक लेके जाना है, देन इसको कर्व करके नीचे लेके आना है। वाई एस याक, वाई एस याक। अब लास्ट आता है हमारा जेड। अब जेड देखो कैसे बनाएंगे बेटा, देखो स्लेंटिंग लाइन से गए हम, फिर एक हाफ सर्किल बनाएंगे आप, थ्री लाइन से टच नहीं करना आपको, थ्री लाइन तक आना है, देन एक हाफ सर्किल, फिर उसको बैक वापस ऊपर ले जाएंगे। जेड एज ज़ेब्रा लाइक दिस, जेड एज ज़ेब्रा, जेड एज ज़ेब्रा, जेड थोड़ा सा लिटिल, इट्स लिटिल टफ। ओके सो मेक इट प्रॉपरली एंड ट्राई टू मेक दीज ऑल दीज अल्फाबेट्स एट योर होम। ओके बिकॉज दे इफ़ यू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू मेक दीज अल्फ़ाबेट्स, योर हैंड राइटिंग विल बी टू गुड। ओके अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बेटा कर्सिव हैंड राइटिंग, आप अगर कर्सिव राइटिंग सीख जाते हो तो बहुत सुंदर लगती है, इट्स लुक रियली गुड। तो इसको आपको तभी कर्सिव हैंड राइटिंग प्रॉपर बनानी आएगी जब आप इनको घर पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि थोड़े से टफ वर्ड्स होते हैं, एक बार आ जाते हैं तो फिर बहुत अच्छे से हम इसको ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हम एक एक्सरसाइज देखेंगे, व्हाट कम्स आफ्टर सी, व्हाट कम्स आफ्टर, अल्फाबेट्स गिवन है, इनके बाद का अल्फाबेट लिखना है हमें। व्हाट कम्स आफ्टर सी, डी,
ओके, व्हाट कम्स आफ्टर एफ? जी. व्हाट कम्स आफ्टर आई? जे. व्हाट कम्स आफ्टर एम? एन. व्हाट कम्स आफ्टर क्यू? आर. व्हाट कम्स आफ्टर एस? टी. व्हाट कम्स आफ्टर यू? वी. वी यू के बाद क्या आता है? वी. व्हाट कम्स आफ्टर वाई? जेड. ओके, इस तरीके से करना है आपको. सो ट्राई टू मेक ऑल दीज अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट ए टू जेड आपको पूरे घर पे बनाने की कोशिश करनी है एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.